हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2022 की ईयरली रीडिंग। तो सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई रियली विश कि 2022 आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है, वो 2022 में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। तो देखिए, इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और अगर आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग से शुरू करना चाहते हैं तो नीचे टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले एक नज़र इन जनरल 2022 पे डाल लेते हैं। तो देखिए, जब हम 2022 को टोटल करते हैं, वी गेट नंबर 6। और नंबर 6 न्यूमरोलॉजी में वीनस यानी कि शुक्र ग्रह का होता है। शुक्र ग्रह कंफर्ट, लग्जरी, लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, फन, मज़ा, मस्ती, एंटरटेनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग और व्हीकल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, या तो इन्हीं सब चीज़ों पे हमारा फोकस 2022 में रहने वाला है या फिर ये चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी लाइफ में ऐड हो सकती हैं। और देखिए, अगर आपका प्रोफेशन भी इन्हीं सब में से है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी 2022 में काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही है। और देखिए, शुक्र की राशियाँ होती हैं लिब्रा एंड टॉरस। शुक्र के मित्र हैं सैटर्न एंड मर्कुरी। सैटर्न और मर्कुरी की राशियाँ हैं कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, वर्गो एंड जेमिनी। और इन राशियों के लिए भी 2022 काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और अगर आपका नेम, नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ का टोटल 369 है तो आपके लिए भी 2022 अगेन मैं कहूँगी काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर हम पिछले 2 सालों से कंपेयर करें तो 2022 अगेन काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन जिन राशियों को मैंने अभी मेंशन किया, या फिर से अगर आपका नेम, नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ का टोटल 369 है तो आपके लिए थोड़ा सा खास अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, दूसरी बात, आई ट्रूली बिलीव दैट नथिंग इज़ रिटन ऑन द स्टोन। और कुछ भी फिक्सेटेड नहीं होता है। और देखिए, इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस ही लें, क्योंकि देखिए, जो भी इस रीडिंग में आप देख रहे हैं, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है देख के, या फिर आपको लगता है कि यही आप 2022 में अपनी लाइफ के लिए चाह रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं पर भी आपको ऐसे लगता है कि भाई, ये तो आप 2022 के लिए या फिर अपनी लाइफ के लिए नहीं चाह रहे थे, तो वहीं पे आपने पॉज करके थोड़ी सी चेकिंग करनी है। क्योंकि देखिए, ये रीडिंग, जो भी आपकी करंट एनर्जीज हैं, जो भी आपके एक्शंस हैं, बिहेवियर है, उसी के बेसिस पर एक प्रोबेबल आउटकम है, ये 100% नहीं है। इनफैक्ट देखिए, कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको 100% नहीं बता सकता, क्योंकि नोबडी इज गॉड, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। और देखिए, ह्यूमन बींग्स का एक लिमिटेड विजन होता है। तो देखिए, फिर से इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें, और कभी भी आपको लगे कि भाई, यू नो, ये आप 2022 के लिए अगेन नहीं चाहते हैं, तो आपने अपनी चेकिंग करनी है कि आपके गोल्स के साथ आपके एक्शंस, आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर्स अलाइन हैं या नहीं हैं। क्योंकि देखिए, हम सब लोगों की लाइफ का मसला ही ये है, हम चाहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और इसीलिए हम अपने गोल्स को भी नहीं अचीव कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, मैं स्विट्ज़रलैंड जाना चाहती हूँ और मैं गोवा के बारे में सोच रही हूँ, गोवा की टिकट्स देख रही हूँ, गोवा के रेस्टोरेंट्स या फिर होटल्स देख रही हूँ, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि मैं गोवा ही जाऊँगी और फिर देखिए मैं परेशान होंगी। इसी तरीके से हमारा गोल कुछ और होता है, हम सोचते और करते कुछ और हैं। और देखिए, अगर आपने 2022 में जाने से पहले इस चीज़ की चेकिंग करके इसको करेक्ट कर लिया, तो कोई दुनिया की ताकत आपको आपका गोल अचीव करने से नहीं रोक सकती। और फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें, और मेरी यही विश है कि जो भी आप अपने लिए 2022 के लिए चाहते हैं, ये रीडिंग उसी को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करे, आपकी मदद करे। और इसी के साथ हम 2022 की रीडिंग शुरू करते हैं। तो स्कॉर्पियो, इससे पहले कि हम 2022 की रीडिंग शुरू करें, एक नज़र 2021 को देख लेते हैं कि ब्रॉडली स्पीकिंग 2021 में आप लोगों के लिए क्या रहा। तो देखिए, आई डोंट वांट टू स्पेंड मच टाइम ऑन 2021, हम एक सरसरी सी नज़र 2021 पे डालेंगे। तो फिर से देखिए, 2021 को देखें,
तो सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं कंप्लीशन एंड एस ऑफ कप्स, और ये दोनों ही कार्ड्स एंडिंग और बिगनिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2021 की स्टार्टिंग में कोई लाइफ का फेज़ आपका एंड हुआ और कोई लाइफ का फेज़ आपका शुरू हुआ। और देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये एंडिंग ये बिगनिंग डिफर कर सकती है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ करियर जॉब हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है जिसको छोड़ के आप दूसरी जगह पे गए, कुछ लोगों के लिए बिहेवियर आदत हो सकता है, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ की एंड हुई और एक नई बिगनिंग आपने की। और देखिए कहीं ये नई बिगनिंग की वजह से एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन, कहीं एक सुकून भी आपकी लाइफ में आया। और देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग, सेलिब्रेशन की भी बात करता है। तो कुछ स्कॉर्पियोज या काफ़ी सारे स्कॉर्पियोज के लिए 2021 की स्टार्टिंग में या 2021 में ये सब चीज़ें भी रहीं। और देखिए यहाँ पर मिड ऑफ 2021 के लिए गोइंग विद द फ्लो का कार्ड कहता है कि कहीं या तो आपने गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहना सीखा या फिर आप गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहे जहाँ पे आपने पास्ट को लेट गो किया, पास्ट की जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, बॉदर कर रही थी, कहीं आपने उनको भी छोड़ा। देखिए यहाँ पे आपने अपने आप को कहा होगा कि कोई फ़ायदा नहीं है पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचने का, क्योंकि जब भी पास्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं तो परेशान ही होते हैं। और कहीं फ्यूचर की भी कोई प्लानिंग अगर आपके माइंड में चल रही थी तो उसको भी आपने किसी लेवल पे छोड़ा और प्रेजेंट मोमेंट पे आपने ज़्यादा फोकस किया। और प्रेजेंट मोमेंट को कैसे आप इन्जॉय करें, कैसे आप यू नो प्रेजेंट मोमेंट को बेहतर करें, इस पे आपने ज़्यादा फोकस किया। और देखिए इसी से ही रिलेटेड या अदरवाइज भी चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से या तो आप चले या फिर आपने चीज़ों को डील किया। और देखिए एम्परर का कार्ड कहीं पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की भी बात करता है। तो फिर से देखिए एक पावर, पोजीशन, अथॉरिटी अपनी लाइफ में लाने पे फोकस रहा, या फिर कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि ये पावर, पोजीशन, अथॉरिटी किसी लेवल पे या फिर किसी भी लाइफ के एरिया में आपको मिली। और देखिए बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत एसर्टिवली आपने अपने गोल, अपने मकसद को पाने के लिए एक्शन, इनिशिएटिव्स लिए, आपने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील किया। तो देखिए ब्रॉडली स्पीकिंग मिड ऑफ 2021 को देखें तो जहाँ एक सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को आपने डील किया या फिर एक डिसिप्लिन लेकर आए, वहीं आपने कुछ चीज़ों को लेट गो भी किया। कहीं यू नो आप अगेन मैं कहूँगी कि एक गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में भी रहे। और देखिए एंड ऑफ 2021 के लिए यहाँ पे सन कहीं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज की बात करता है। अगेन ये कार्ड भी एक हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है, एक क्लैरिटी की बात करता है। और देखिए सन के नीचे ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, और ये दोनों कार्ड्स को हम कंबाइन करें तो देखिए हो सकता है कि बहुत सारे स्कॉर्पियोज के लिए मेजर कोई हैप्पीनेस, मेजर कोई जॉय ना रही हो, और आपने कहीं छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढी या फिर छोटी छोटी चीज़ों से ही अपने आप को खुश किया। तो देखिए जो भी हो किसी लाइफ के एरिया में या फिर इन जनरल एक क्लैरिटी आई। और देखिए सन भी कहीं एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की बात करता है, एक फ्रेश बिगनिंग की बात करता है, या मैं कह सकती हूँ कि फ्रेश स्टार्ट की बात करता है। तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा था कहीं आपने एक बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ हर चीज़ को डील किया, एक पॉजिटिविटी आई चीज़ों को लेके, अगेन मैं कहूँगी एक क्लैरिटी आई। कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर एक नॉलेज भी आपने गेन करना चाहा, एक यू नो विजडम के साथ आपने चीज़ों को डील किया। और यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए फिर से मैं कहूँगी कि या तो आपने कोई चीज़ सीखी या सिखाई, या फिर से देखिए आपने नॉलेज किसी भी लाइफ के एरिया में गेन करी, एक फ्रेश स्टार्ट हुआ और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आपने हर चीज़ को डील किया। और यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस का कार्ड तो कह ही रहा है कि ऑर्डिनरी चीज़ों को भी आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहा, या फिर ऑर्डिनरी चीज़ों को भी आपने अच्छे से इन्जॉय किया। ऑर्डिनरी चीज़ों में ही फिर से मैं कहूँगी एक खुशी, एक हैप्पीनेस आप लोगों ने ढूंढी। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए एक सरसरी नज़र 2021 पे। तो स्कॉर्पियोज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रॉडली स्पीकिंग या फिर इन जनरल के लिए
2022 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं करियर सक्सेस, और ये कार्ड्स कहते हैं कि या तो 2022 में आपके करियर में एक सक्सेस आपको मिल रहा है, या फिर 2022 में कैसे अपने करियर को आप और बेहतर करें, कैसे चीज़ों को आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, कैसे एक सक्सेस आपको मिले, उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के लाइफ के एरियाज़ में कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है। कभी कभी होता है ना कि सब चीज़ ठीक ठाक है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर लाइफ के एरिया में या तो हम ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, या फिर वो थोड़ा सा दूसरे लाइफ के एरिया से ज़्यादा बेहतर होता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी 2022 में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर साइन का कार्ड है, जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है, और जुपिटर एस्ट्रोलॉजी में सबसे बेनिफिक प्लैनेट हैं। जुपिटर कहीं फाइनेंसेस, मनी, वेल्थ की बात करते हैं, जुपिटर कहीं नॉलेज, विजडम की बात करते हैं, सीखने सिखाने की बात करते हैं, पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं, कहीं रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, कहीं जो भी एल्डरली आपके घर में हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर कहीं गुड फॉर्चून की बात करता है, किस्मत के साथ देने की बात करता है, कहीं ग्रोथ एक्सपेंशन की बात करता है। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी, या तो ये चीज़ें 2022 में आपकी लाइफ में आ रही हैं, या फिर इन्हीं सब चीज़ों पे आपका फोकस रह रहा है। और देखिए, जुपिटर के साथ कैप्रिकॉन साइन का भी कार्ड है, और जुपिटर कहीं कैप्रिकॉन में डेबिलिटेट करते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले भी रहते हुए दिख रहे हैं। या मैं कह सकती हूँ कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक एफर्ट, एक मेहनत आप करते हुए दिख रहे हैं। और वैसे भी देखिए, कैप्रिकॉन राशि कहीं हार्ड वर्क की बात करती है, कहीं अपने ड्रीम्स, अपने डिज़ायर से रिलेटेड गोल्स बनाने की बात करती है, और बहुत ही परसिस्टेंटली, पेशेंटली उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेने की बात करती है। और फिर से मैं कहूँगी कि कुछ ऐसा ही आप लोग करते हुए भी दिख रहे हैं। और देखिए, इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें तो ये कार्ड्स कहते हैं कि जो भी आप पाना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक एफर्ट, एक मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कभी कभी होता है ना, हम ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं कि भाई किस्मत में मिलना होगा तो मिल जाएगा, ये चीज़ होनी होगी तो हो जाएगी। और देखिए, अगर 2022 में आप ऐसी एनर्जीज़ में रहे, या फिर आपका ऐसा फ्रेम ऑफ माइंड रहा, तो जो भी आप पाना चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि उनको आप मिस कर सकते हैं। तो फिर से देखिए, जो भी आप पाना चाहते हैं 2022 में, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और सक्सेस आपको अगर आप अगेन एफर्ट, मेहनत करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। और देखिए, फिर से हम जुपिटर को देखें तो जिस भी लाइफ के एरिया में आप फोकस कर रहे हैं उसी से ही रिलेटेड एक ग्रोथ एक्सपेंशन भी मिल सकता है। कहीं जो भी एल्डरली लोग हैं उनकी ब्लेसिंग्स भी 2022 में रह सकती हैं, और कहीं या तो कोई चीज़ आप सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, या फिर एक नॉलेज, एक विजडम भी आपको आ रही है। और देखिए, यहाँ पर सेकेंड हाउस का भी कार्ड है। सेकेंड हाउस कहीं धन, कुटुंब, वाणी की बात करता है, तो यहाँ पे भी देखिए धन की बात हो रही है। तो फिर से या तो फाइनेंशियली चीज़ों को बेटर करने पे आपका फोकस है, या फिर एफर्ट और मेहनत के साथ फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो रहे हैं। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकेंड हाउस कहीं वाणी की भी बात करता है, और सेकेंड हाउस के पास यहाँ पे जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है, जुपिटर नॉलेज, विजडम की बात करता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या तो बेटर हो रही हैं, या फिर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर रहे हैं। और देखिए, आप पहले से ही अगर बहुत वाइजली बात करते हैं, बहुत ज़्यादा अगेन विजडम के साथ आप बातचीत करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, और यही चीज़ और बेटर आपकी होती हुई दिख रही है। लेकिन अगर आपको गुस्सा आ जाता है, या फिर आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा रफ, थोड़ा सा रैश हो जाता है, तो कहीं 2022 में ये चीज इंप्रूव करते हुए दिख रही है। और देखिए, यहाँ पे यूरेनस प्लैनेट का भी कार्ड है,
यूरेनस कहीं सडन चेंज की बात करते हैं। स्पेशली देखिए, कोई चीज़ अगर हमें बहुत टाइम से परेशान कर रही है या फिर किसी लेवल पे हमें सफोकेट कर रही है, तो सडनली उसमें से बाहर निकलने की बात करते हैं। और देखिए, जब भी सडन चेंजेस आते हैं तो वो इनिशियली तो डिस्कम्फर्टिंग होते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक लिबरेटिंग, एक फ्रीडम वाली एनर्जीज़ भी लेकर आते हैं। और कुछ ऐसा ही 2022 में भी होता हुआ दिख रहा है। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज़ हो सकते हैं जिससे रिलेटेड एक एंडिंग, एक बिगनिंग हो रही है, या मैं कह सकती हूँ कि सडन चेंज 2022 में आ रहा है। लेकिन देखिए, यूरेनस के पास यहाँ पे थर्ड हाउस का कार्ड है, और थर्ड हाउस कहीं सिबलिंग्स की बात करता है, थर्ड हाउस भी कहीं रिस्पेक्ट की बात करता है, थर्ड हाउस कहीं शॉर्ट ट्रैवल्स की बात करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए या काफ़ी सारे लोगों के लिए एक सडन चेंज आ रहा है। और देखिए, यहाँ पे मूनोलॉजी से भी न्यू मून का कार्ड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग की बात करता है। तो फिर से देखिए, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, नई स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे भी देखिए, बॉक्स का कार्ड कहीं रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है, लिमिटेशंस की बात करता है। और देखिए, कितनी बारी ये लिमिटेशंस, ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत ही अनकॉन्शियस लेवल पे होते हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे होते हैं, जो हमें पता भी नहीं लगते हैं, लेकिन यही कहीं हमारा गोल अचीव करने से, हमारे ड्रीम्स, हमारे डिज़ायर्स को अचीव करने से हमें रोकते हैं। और यहाँ पे देखिए, बॉक्स एंड यूरेनस के कार्ड्स को अगर हम कंबाइन करें तो ये कार्ड सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करते हैं कि जो भी चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, लिमिट कर रही हैं। और यहाँ पे देखिए, सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके लव वंस की आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलीजन, सोसाइटी है, कुछ लोगों के लिए आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, आपका कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है जो फिर से मैं कहूँगी कि आपको बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रहा था या कर रहा है, उसमें से ही आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, जो कि फिर से किसी लेवल पे डिसकम्फर्टिंग हो सकता है, लेकिन बहुत एक फ्रीडम, बहुत एक लिबरेशन आप महसूस कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे वर्गो राशि का कार्ड भी कहीं हार्डवर्क की बात करता है, कहीं लॉजिकली चीज़ों को डील करने की बात करता है, कहीं बहुत एनालिटिकली, अगेन मैं कहूँगी कि चीज़ों को डील करने की बात करता है। और यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग हो सकता है 2022 में ऐसी एनर्जीज़ में हैं, और जो नहीं है उनके लिए मैसेज हो सकता है कि आपने हार्ट और माइंड का बैलेंस रखना है, आपने अगेन लॉजिकली चीज़ों को डील करना है। और देखिए, अर्थ साइन है तो कहीं ग्राउंडिंग एनर्जीज की बात करता है, और ये भी कार्ड कहीं कंटिन्यूस एफर्ट की बात करता है। तो देखिए, एक चीज़ जो कॉमन दिख रही है कि 2022 में जो भी आप पाना चाह रहे हैं उसी से ही रिलेटेड आप एक्शन ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आप कहीं एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और फिर से देखिए, कैप्रिकॉर्न राशि सक्सेस की बात करती है, तो सक्सेस भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, थर्ड हाउस का कार्ड सिबलिंग्स की बात करता है, कहीं शॉर्ट ट्रैवल्स की बात करता है, ये कार्ड भी कम्युनिकेशन की बात करता है, ये कार्ड किसी स्किल को अपडेट भी करने की बात करता है, नेबरहुड की भी बात करता है। तो फिर से देखिए, या तो इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस है, या फिर ये सब चीज़ें 2022 में ज़्यादा आपकी लाइफ में रह रही हैं। और देखिए, थर्ड हाउस से कहीं हाथ भी आते हैं, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ज़्यादा राइटिंग वर्क कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जर्नल लिखना शुरू कर रहे हैं। और देखिए, थर्ड हाउस कहीं टेक्नोलॉजी भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि आप टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपने गोल, अपने मकसद को पाने के लिए, या फिर इन जनरल के लिए। और देखिए, यहाँ पे गॉडेस गाइडेंस है, हमारे पास डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है, तो या तो बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए जुपिटर प्लैनेट का भी कार्ड है, या फिर देखिए, कार्ड्स आपको एडवाइस दे रहे हैं कि जो भी आप करें, किसी भी एक्सपीरियंशियल इंसान से गाइडेंस लेके करें। और देखिए, वैसे स्कॉर्पियोज़ हम सब लोगों के लिए ही डिवाइन गाइडेंस हमेशा ही अवेलेबल होती है, जब हम अपने एंजल से कनेक्ट करते हैं
हैं तो हम उसको देख पाते हैं, और जब हम अपनी ही उलझनों में उलझे रहते हैं तो ना तो हम इस डिवाइन गाइडेंस को अवेल कर पाते हैं, ना ही हम देख पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डिवाइन गाइडेंस का कार्ड ये भी कह सकता है, ये हो सकता है कि 2022 में आप अपने एंजल्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, आप एक डिवाइन गाइडेंस लेना चाह रहे हैं और आपको मिल भी रही है। और देखिए यहाँ पे पावर का कार्ड कहीं बहुत ही क्लियरली पावर पोजीशन अथॉरिटी की बात करता है, तो ये भी 2022 में आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे प्लेफुलनेस का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है, या तो आप चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं या फिर एक फ़न मज़ा मस्ती भी 2022 आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये प्लेफुलनेस कहीं आप सीख रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए लाइफ में तो इश्यूज़ और मसले चलते रहते हैं, और मैंने कितनी बारी आप लोगों को कहा है कि हमारी एक्सटर्नल लाइफ में जो भी हो रहा हो, हम इंटरनली उसको कितना बड़ा कितना छोटा करते हैं वही डिटरमिन करता है कि हम परेशान रहेंगे या हम खुश रहेंगे। तो हो सकता है कि कुछ लोग 2022 में अपनी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को बेटर कर रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नली कुछ अगर हो भी रहा है तो आप अपने माइंड में चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं, एक प्लेफुलनेस वाला मूड दिख रहा है। और देखिए प्लेफुलनेस जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम केयर फ्री भी हो जाते हैं, हम केयरलेस भी हो जाते हैं। और यहाँ पे स्कॉर्पियोज में आपको यही कहूँगी कि प्लेफुलनेस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें बियॉन्ड द पॉइंट किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन इन द प्रोसेस हमें थोड़ा सा ख्याल भी रखना है कि हम केयर फ्री तो नहीं हो रहे हैं, हम केयरलेस तो नहीं हो रहे हैं। एंड देखिए गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस लक्ष्मी एंड गॉडेस फ्रिजिया के कार्ड्स हैं। गॉडेस लक्ष्मी कहीं ब्राइट फ्यूचर की बात करती हैं, गॉडेस कहती हैं स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। तो देखिए हाल फिलहाल अगर किसी चीज़ को लेकर एक चिंता एक फिक्र आप कर रहे हैं, या फिर 2022 में किसी भी चीज़ को लेकर अगेन एक फिक्र एक चिंता अगर आप करते हुए अपने आप को पाएँ, तो ज़रूर गॉडेस लक्ष्मी को याद कर लें, क्योंकि फिर से देखिए गॉडेस आपको प्रॉमिस करती हैं कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। और वैसे भी देखिए गॉडेस लक्ष्मी कहीं धन सुख समृद्धि की बात करती हैं, और 2022 में कहीं गॉडेस की ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए हैं। और देखिए यहाँ पे जुपिटर सेकंड हाउस भी कहीं धन फाइनेंसेस वेल्थ की बात करते हैं, हालांकि कैप्रिकॉर्न राशि कहती है कि आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन देखिए जो भी हो गॉडेस लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, और जब गॉडेस लक्ष्मी आपके साथ हैं तो आपके ड्रीम्स आपके डिज़ायर्स को अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और देखिए गॉडेस फ्रिजिया कहीं बोल्ड एनर्जीज़ की बात करती हैं, ये कहती हैं अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। तो देखिए जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड बहुत एक करेजस बहुत एक बोल्ड एनर्जीज़ की भी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बॉक्स का कार्ड कहता है कि कहीं आप लिमिट कर रहे हैं रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और ये लिमिटेशंस ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत ही सबकॉन्शियस लेवल पे हैं, जहाँ पे हो सकता है कि आप रियलाइज़ भी ना कर पा रहे हों। तो फिर से देखिए गॉडेस फ्रिजिया कहती हैं कि इन्हीं लिमिटेशंस को इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को आपने ओवरकम करना है, और बहुत बोल्डली बहुत करेजसली अपने गोल अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। और देखिए यहाँ पे मूनोलॉजी से फुल मून इन पाइसेस एंड न्यू मून इन लियो के कार्ड कहीं बैलेंस मेंटेन करने की बात करते हैं, कहीं कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील करने की बात करते हैं। तो देखिए न्यू मून इन लियो एंड गॉडेस फ्रिजिया के कार्ड्स कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करते हैं, फिर से मैं कहूँगी कि बहुत कॉन्फिडेंटली असर्टिवली करेजियसली बोल्डली आपने डिसीजंस लेने हैं, चॉइसेस लेने हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। और देखिए यहाँ पे आर्केटाइप से अगेप का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है, ये अनकंडीशनल लव की बात करता है, कुछ बहुत ही अमेजिंग होने की बात करता है। तो यहाँ तो देखिए ये अनकंडीशनल लव आपके लिए 2022 लेकर आ रहा है, या फिर आप किसी के लिए बहुत ही एक अनकंडीशनल लव महसूस कर रहे हैं, कहीं ये सुकून पीस की भी बात करता है, कहीं हैप्पीनेस की भी बात करता है। तो फिर से
देखिए ये चीज़ें 2022 में रह रही हैं, लेकिन साथ ही साथ फॉल्ट लाइन का कार्ड कहता है कि कुछ इश्यूज़, कुछ मसले भी रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए ये मसले, ये इशू हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही हैं। और देखिए फेलियर, या फिर से मैं कहूँगी इश्यूज से प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब हम इनको डील नहीं करते हैं, हम इनको इग्नोर करते हैं, या फिर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तभी कहीं एक प्रॉब्लम्स भी हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। और इसीलिए देखिए जापनीज कल्चर में जब कोई भी क्रॉकरी टूट जाती है, या फिर अगेन कोई भी चीज़ टूट जाती है, तो वो उसको फेंकते नहीं हैं, वो उसको गोल्ड से भर कर अपने घर में शो पीस की तरह रखते हैं, जो कि उन्हें हमेशा रिमाइंड कराता है कि फेलियर से उन्होंने क्या सीखा। और यहाँ पे फॉल्ट लाइन का कार्ड कहता है कि कुछ भी चीज़ें अगर आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो आपने उनको इग्नोर नहीं करना है, आपने एक्सेप्ट करना है, आपने एक्नॉलेज करना है। और वो चीज़ आपको क्या लेसन दे रही है, क्या चीज़ सिखा रही है, आपने वो सीख, वो लर्निंग लेनी है। और देखिए अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो 2022 की एनर्जीज़ को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। एंड आई थिंक मैंने सारे कार्ड्स कवर कर दिए हैं, और अब देखते हैं कि कौन से सिग्निफिकेंट मंथ्स रहेंगे 2022 के लिए। तो यहाँ पे देखिए अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, फिर से मैं कहूँगी कि अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर ये सिग्निफिकेंट मंथ्स आप लोगों के लिए 2022 में रह सकते हैं। तो ये था स्कॉर्पियोज़ आप लोगों के लिए 2022 का एक ओवरव्यू। एंड स्कॉर्पियोज़ इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2022 के फर्स्ट फोर मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तो देखिए इन फोर मंथ्स के लिए सबसे पहले कार्ड्स आप लोगों के लिए हैं द एम्प्रेस एंड फ्लावरिंग, और ये दोनों ही कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं, और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी 2022 की स्टार्टिंग के लिए रहता हुआ दिख रहा है। या मैं कह सकती हूँ कि 2022 की स्टार्टिंग आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही है, और ये दोनों ही कार्ड्स कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करते हैं। इनफैक्ट फ्लावरिंग का कार्ड एम्प्रेस कार्ड का मिनी वर्जन है, और देखिए फ्लावरिंग के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो मेरे लिए ये गॉडेस लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए आप लोगों के लिए हमने देखा भी था 2022 की इन जनरल की रीडिंग में कि 2022 के लिए आप लोगों के लिए गॉडेस लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स हैं, तो इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ आपका 2022 कहीं स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। और देखिए ये दोनों कार्ड्स कहीं कंफर्ट की बात करते हैं, लग्जरी की बात करते हैं, पॉजिटिव आउटकम की बात करते हैं, जो भी एफर्ट्स करे उनके अगेन मैं कहूँगी रिजल्ट्स मिलने की बात करते हैं, कहीं नेचर के साथ कनेक्ट करने की बात करते हैं, कहीं फाइनेंशियल गेन या फिर एक प्रॉस्पैरिटी की भी बात करते हैं, अबंडेंस की भी बात करते हैं, ब्यूटीफुल एनवायरमेंट, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स की भी बात करते हैं, फिजिकल वेलबींग पे फोकस करने की बात करते हैं। और देखिए कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी 2022 की स्टार्टिंग के लिए रहता हुआ दिख रहा है। पीछे अगर किसी भी चीज़ पे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करे, तो उनके पॉजिटिव आउटकम या फिर पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं। और देखिए फिर से मैं कहूँगी कि एक कंफर्ट, एक लग्जरी रहती हुई दिख रही है, और ये कंफर्ट, ये लग्जरी सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप न्यू ईयर पे वेकेशन पे जा रहे हैं और आपका रिजॉर्ट बहुत ही कम्फर्टेबल है, बहुत ही लग्जूरियस है, आसपास की सराउंडिंग बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, फिर से मैं कहूँगी कि सीनरी है, एम्बियंस है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने घर को और ब्यूटीफाई कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, आप कहीं ब्यूटीफुल चीज़ें अपने लिए या फिर अपने लव्ड वंस के लिए खरीद रहे हैं। और देखिए कहीं एम्प्रेस लव, प्यार, मोहब्बत की भी बात करता है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि या तो आप किसी खास इंसान के लिए या फिर इन जनरल ही अपने लव्ड वंस के लिए बहुत एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, या फिर ये प्यार मोहब्बत आपको आपके लव्ड वन से बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे बहुत फोकस कर रहे हैं, कहीं आप खुद को प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं। और देखिए ये दोनों ही फीमेल्स के कार्ड्स हैं,
तो कहीं कोई फीमेल की वजह से या उनकी तरफ से कंफर्ट लग्जरी भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में आ रही है, या फिर किसी फीमेल पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ये फीमेल भी सबके लिए डिफ़र कर सकती हैं। कुछ के लिए मदर हो सकती हैं, कुछ के लिए सिस्टर हो सकती हैं, कुछ के लिए डॉटर, फ्रेंड, कुली, कोई कोवर्कर हो सकता है। फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी फीमेल हो सकती हैं जिनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है, डीलिंग्स हो रही हैं। और देखिए, फिर से एक फाइनेंशियल गेन, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, जैसे जैसे आप 2022 में आगे जाएंगे, या मैं कह सकती हूँ कि इन 4 मंथ्स में आगे जाएंगे, तो यहाँ पे हैंगमैन एंड अंडरस्टैंडिंग के कार्ड्स कहते हैं कि कुछ कॉम्प्रोमाइजेस, कुछ एडजस्टमेंट्स या तो आपको करने पड़ रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं। देखिए, हैंगमैन का कार्ड कहीं एक स्टक एनर्जीज की भी बात करता है, और इस कार्ड को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो इस फिगर के हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं। तो हो सकता है कि आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ अपनी लाइफ में, अगेन मैं कहूँगी, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, आप खुल के कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप थोड़ा सा पॉज लेके, थोड़ा सा रुक के चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं। और देखिए, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज की बात करता है कि आप खुल के चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी लेवल पे आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। और यहाँ पे भी फिर से मैं कहूँगी कि आप चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए देखिए, किसी तरीके की लिमिटेशंस या फिर किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस भी रह सकती हैं, और ये लिमिटेशंस, ये रिस्ट्रिक्शंस भी सबके लिए डिफ़र कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए अपने ही थॉट प्रोसेस या फिर अपने ही बिलीफ सिस्टम की वजह से कुछ लिमिटेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रह सकती हैं। कुछ लोगों के लिए सोसाइटी, रिलीजन की वजह से हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए जो भी लोग आपके आस पास हैं या आपकी सराउंडिंग की वजह से, फिर से मैं कहूँगी कि एक लिमिटेशंस हैं, एक रिस्ट्रिक्शंस हैं, और कहीं अगेन आप खुल के चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। आप किसी लेवल पे या तो अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं या फिर आपको अपने आप को होल्ड बैक करना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे 3 of Cups एंड एग्जिस्टेंस के कार्ड्स फिर से एक ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करते हैं। 3 of Cups का कार्ड कहीं फन, मज़ा, मस्ती करने की बात करता है, सोशलाइज करने की बात करता है, किसी तरीके के सेलिब्रेशन की बात करता है, कहीं गेट टुगेदर, रीयूनियन की बात करता है, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने की बात करता है, ज़्यादा लोगों से मिलने की बात करता है। और देखिए, एग्जिस्टेंस का कार्ड भी कहीं विशेस, ड्रीम्स की बात करता है, कहीं यूनिवर्स की तरफ से बहुत एक सपोर्टिव एनर्जीज की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन 4 मंथ्स के एंड में आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक खुला सा आसमान है और एक तारा टूट रहा है, और बचपन में जब भी हम टूटता तारा देखते थे तो झट से विश मांग लेते थे, क्योंकि कहते हैं जब टूटता हुआ तारा देखो और कोई चीज़ मांगो तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो फिर से देखिए, कहीं इन 4 मंथ्स में अपनी विशेस, अपनी ड्रीम्स, अपनी डिज़ायर्स के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कोई विश, कोई डिज़ायर पूरी हो रही है, या फिर कैसे आप अपनी विश, अपनी ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करें, कैसे आप उसको मैनिफेस्ट करें, उस पर ज़्यादा फोकस है। और इसी से ही रिलेटेड हो सकता है कि आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, आप ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके की सेलिब्रेशन भी इन 4 मंथ्स में रहती हुई दिख रही है। और देखिए, ओवरऑल एक एनर्जी अगर इन 4 मंथ्स के लिए देखें तो यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को बनाने पे फोकस है, और कहीं एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी, जिस भी लाइफ के एरिया पे आप फोकस कर रहे हैं उसमें कैसे आए, अगेन मैं कहूँगी कि उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, उसी चीज़ को लेके कैसे एक फाउंडेशन और स्ट्रांग हो, कैसे आपका बेस और स्ट्रांग हो,
फिर से मैं कहूँगी कि आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ओवरऑल के लिए इन 4 मंथ्स में। और देखिए यहाँ पे स्टैंड स्टिल का कार्ड कहता है कि जहाँ मज़ा मस्ती है, ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग पे भी फोकस है, या फिर एक मज़ा मस्ती आप कर रहे हैं जहाँ पे एक प्यार मोहब्बत रह रहा है, फाइनेंशियल गेन रह रहा है, कहीं एक स्टेबिलिटी एक सिक्योरिटी भी आप महसूस कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों के साथ हैं किसी लाइफ के एरिया को लेकर एक कन्फ्यूजन भी रह सकती है, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। और शायद इसीलिए देखिए यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड कहता है कि या तो आप एक पॉज ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं। और देखिए स्टैंड स्टिल का कार्ड भी कहीं हैंगमैन की एनर्जीज के साथ मैच कर रहा है। ये कार्ड कहता है कि इन 4 मंथ्स में आप जो भी करें, आप इम्पल्सिव ना हों, आप जल्दबाजी ना करें, कहीं आप चीज़ों को अच्छे से समझें। और स्पेशली देखिए किसी भी लाइफ के एरिया में अगर आप 100% श्योर नहीं हो पा रहे हैं तो ज़रूर आप थोड़ा सा पॉज लें, तो ज़रूर आप थोड़ा सा रुकें। और देखिए बहुत सारे स्कॉर्पियोज मुझे ऐसी एनर्जीज में दिख रहे हैं और जो नहीं हैं उनके लिए मैसेज है। तो ओवरऑल के लिए देखिए ये 4 मंथ्स ठीक ठाक जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं, और देखिए ये लाइफ है, हरदम ही चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं या फिर हरदम ही खुशियाँ नहीं रहती हैं, कभी छोटे मोटे इश्यूज़ भी रहते हैं। और कुछ ऐसा ही इन 4 मंथ्स के लिए रहता हुआ दिख रहा है, या मैं कह सकती हूँ कि मेजरली चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए 2022 के फर्स्ट 4 मंथ्स का एक ओवरव्यू। एंड स्कॉर्पियोज इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2022 के नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई जून जुलाई अगस्त आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तो देखिए इन 4 मंथ्स के लिए सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए है 9 of Wands रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि अगेन इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेकर एक थकावट आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे अगेन किसी चीज़ को या तो आप गिव अप करना चाह रहे हैं या गिव अप कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत हो गया, पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन उस तरीके का रिज़ल्ट, उस तरीके का आउटकम आपको नहीं मिला। और कहीं फिर से इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में आप महसूस कर रहे हैं कि भाई और अब हिम्मत नहीं है, और अब स्टैमिना नहीं है आगे बढ़ने का, अब लिटरली थक गए हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड कहता है कि आप बहुत ही संभल संभल के आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए इस कार्ड को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो ये फिगर एक पथरीले रास्तों में चल रही है और फिर से देखिए बहुत संभल के चल रही है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप बहुत कॉशियस हो रहे हैं चीज़ों को लेके, आप इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं, जिसे कहते हैं ना कि लिटरली आप कदम फूंक फूंक के आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए कहीं मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स एंड सक्सेस के कार्ड्स कहते हैं कि जिस चीज़ को लेके आप थोड़े से अप्रीहेंसिव थे, या किसी लेवल पे आप डरे हुए थे, या फिर से मैं कहूँगी गिव अप कर रहे थे या करना चाह रहे थे, या तो उसी चीज़ को लेकर या फिर किसी भी और लाइफ के एरिया में एक सक्सेस भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और कहीं बहुत लॉजिकली, बहुत ही माइंड से आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। देखिए लिटरली कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत हो गया चीज़ों को लेके इमोशनल होना, बहुत हो गया सेंटिमेंटल होना, अब थोड़ा सा माइंड से चलते हैं, अब थोड़ा सा चीज़ों को लॉजिकली डील करते हैं। और यहाँ पे देखिए कोई इंसान भी हो सकता है आपकी लाइफ में जो कि लॉजिकल हैं, जो बहुत एक पावर पोजिशन अथॉरिटी पे हैं, जिनकी तरफ से काफ़ी एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं, काफ़ी एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं। और देखिए ये मेल फिगर भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन मेल फिगर मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। और ये कोई भी हो सकते हैं, कुछ के लिए बॉस हो सकते हैं, कुछ के लिए फादर, ब्रदर, स्पाउस, पार्टनर, सन, फ्रेंड, कुलीग, फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी हो सकते हैं,
और देखिए, अगर कोई ऐसे इंसान नहीं हैं तो स्कॉर्पियोज़ ये आपकी एनर्जीज़ हो सकती हैं, जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आपके लिए बहुत अहम है, या फिर इन चीज़ों को आप बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन भी हो सकती है कहीं। देखिए, अगेन एक पावर, पोजीशन, अथॉरिटी हो सकता है आपको मिल भी रही है। तो देखिए, मिड ऑफ दीज फोर मंथ्स इमोशंस मिसिंग दिख रही हैं, फीलिंग्स मिसिंग दिख रही हैं, चीज़ों को लेकर एक एंथुजियाज्म मिसिंग दिख रहा है, एक्साइटमेंट मिसिंग दिख रही है। अगेन बहुत लॉजिकली, बहुत माइंड से आप चल रहे हैं और कहीं किसी लेवल पे एक सक्सेस भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए, एंड ऑफ दीज फोर मंथ्स के लिए यहाँ पे टेन ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक अधूरापन आप महसूस कर सकते हैं। और देखिए, फिर से ये सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए उनका वर्क हो सकता है, उनका करियर, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, कुछ के लिए जगह हो सकती है, कुछ के लिए आपका कोई आदत, बिहेवियर हो सकता है। और फिर से मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को लेकर एक कंप्लीट हैप्पीनेस, एक कंप्लीट जॉय, एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन रहती हुई नहीं दिख रही है, एक मिसिंग फीलिंग सी दिख रही है, या फिर से मैं कहूँगी कि एक अधूरापन आप महसूस कर रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए देखिए, स्लोइंग डाउन का कार्ड कहता है शायद इसीलिए आप थोड़ा सा स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, इन फोर मंथ्स की स्टार्टिंग के लिए भी हमने मोमेंट टू मोमेंट के कार्ड में देखा था कि आप इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा संभल संभल के चल रहे हैं। और देखिए, इन फोर मंथ्स के एंड के लिए भी यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा पॉज लेकर चीज़ों के बारे में और श्योर होना चाहते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि जब तक कि आपको एक 100% श्योरिटी नहीं मिलती, आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं या आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और देखिए, ओवरऑल इन फोर मंथ्स के लिए यहाँ पे एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड कहता है कि इन फोर मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, थॉट्स, आइडियाज़, या फिर इमोशनल, मेंटल हेल्प, सपोर्ट एक्सचेंज हो रहा है। या तो आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, या फिर कोई चीज़ आप किसी से ले रहे हैं, या फिर एक आदान प्रदान बहुत ज़्यादा जो भी लोग आपकी लाइफ में हैं उनके साथ रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, यहाँ पे पीस का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है, या तो एक पीस कैसे आप अपनी लाइफ में लेकर आएं, कैसे एक सुकून अपनी लाइफ में लेकर आएं, उसके ऊपर फोकस है, या फिर इसके बावजूद कि छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे इश्यूज इन फोर मंथ्स में हैं, आप कहीं एक पीस ऑफ माइंड को मेंटेन कर रहे हैं, आप कहीं अपना सुकून नहीं ख़राब होने दे रहे हैं। और देखिए स्कॉर्पियोज़, मैंने बहुत बारी आप लोगों को कहा भी है कि एक्सटर्नली हमारी लाइफ में जो भी हो रहा हो, अगर हमारा सेल्फ टॉक ठीक है, या मैं कह सकती हूँ कि इंटरनली हम अपने आप को पॉजिटिव चीज़ें बोल रहे हैं, या फिर उसी एक्सटर्नल चीज़ को लेकर हमारा मेंटल रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक है, बढ़िया है, तो बियॉन्ड द पॉइंट कोई चीज़ हमें परेशान नहीं कर सकती है, और बियॉन्ड द पॉइंट कोई चीज़ हमारा पीस ऑफ माइंड नहीं ख़राब कर सकती है। तो कुछ लोग हो सकता है लिटरली इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि एक पीस, एक सुकून रह रहा है इसके बावजूद कि कुछ इश्यूज हैं, कुछ मसले हैं। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए 2022 के नेक्स्ट फोर मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त का एक ओवरव्यू। एंड स्कॉर्पियोज, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2022 के लास्ट के फोर मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तो देखिए, इन फोर मंथ्स के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है इंटेंसिटी, और ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत एक इंटेंस इमोशंस, बहुत एक इंटेंस फीलिंग्स आप महसूस कर सकते हैं। अगेन देखिए, बहुत एक पैशनेट एनर्जीज दिख रही हैं, जहाँ पे कुछ लोग लिटरली बहुत ऑब्सेसिव भी उसी चीज़ को लेकर हो सकते हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वर्क, करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए घर हो सकता है, घर से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है।
तो देखिए इन नटशेल एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज दिख रही हैं जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि भाई ये चीज़ तो आपको चाहिए ही चाहिए हैं, ये इंसान तो आपको चाहिए ही चाहिए हैं। अगेन देखिए सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है, जिसको लेकर एक इंटेंस इमोशंस, एक पैशनेट फीलिंग्स आप लोग महसूस कर रहे हैं। और देखिए शायद इसीलिए यहाँ पे सरफेस लेवल के लिए टर्न ऑफ वॉन्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक प्रेशर, एक बर्डन, एक स्ट्रेस भी किसी लेवल पर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जब भी हम आउटकम के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, या फिर जब भी हमको लगता है कि भाई हर हाल में हमें ये चीज़ चाहिए, तभी हम परेशान भी होते हैं। क्योंकि देखिए गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करे जाओ, फल की इच्छा ना करो। और जब हम फल पे ज़्यादा फोकस करते हैं अपने कर्म से, तो फिर से मैं कहूँगी हम परेशान होते हैं। और यहाँ पे भी देखिए अगर ऐसा आप पाएँ स्कॉर्पियोज, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और देखिए दूसरी बार टेन ऑफ वॉन्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि शायद आप जितना काम कर सकते हैं उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हैं आप उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं। और ये भी बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेशर, एक बर्डन का रीज़न हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप लोगों को ना नहीं कह पा रहे हैं। और देखिए जब भी टेन ऑफ वॉन्स का कार्ड आता है तो हम यही कहते हैं You should learn to say no gracefully। और देखिए ऐसा ही आप भी पाएँ, या मैं कहूँगी कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एक टेंशन, एक परेशानी आप पाएँ, तो ये आपके हाथ में है। इसको आप चेक करके करेक्ट कर सकते हैं और चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और देखिए कहीं मिड ऑफ दीज फोर मंथ्स के लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं, कुछ इश्यूज रह सकते हैं, किसी चीज़ को लेकर एक बहुत गुस्सा, एक बहुत फ्रस्ट्रेशन भी आप मन ही मन महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत अच्छे से इन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल भी करते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत लविंगली, बहुत कंपैशनेटली, बहुत पेशेंटली चीज़ों को डील भी करते हुए दिख रहे हैं। और नीचे देखिए क्रिएटिविटी का कार्ड कहता है कि शायद कंफर्ट, लग्जरी या फिर आउटकम, रिजल्ट से रिलेटेड ये फ्रस्ट्रेशन, ये इरिटेशन ज़्यादा रह रही है। हालांकि देखिए जनरल रीडिंग है तो सबके लिए यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। और कहीं देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि आप बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली हर चीज़ को डील कर रहे हैं। और जो लोग इस टाइम पीरियड पे एक बोल्ड, एक करेजियस एनर्जीज में अपने आप को ना पाएं, तो उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आपने अपफ्रंट होके हर चीज़ को डील करना है। और देखिए मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है स्कॉर्पियोज कि हम जितना सोचते हैं उससे भी बियॉन्ड हमारे पास पावर है, पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटीज़ हैं अपने ड्रीम्स, अपने विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए, किसी भी मसले, किसी भी इशू को डील करने के लिए। तो देखिए इस चीज़ का ख्याल आप इस टाइम पीरियड में ज़रूर रखें। और देखिए जो भी हो कहीं एंड ऑफ दीज फोर मंथ्स के लिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी चीज़ को लेकर एक एंडिंग और बिगनिंग की बात करते हैं। और यहाँ पे भी देखिए सबके लिए ये एंडिंग और बिगनिंग डिफर कर सकती है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई चीज़ एंड हो रही है। देखिए यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ के लिए रिलेशनशिप में इश्यूज़ एंड हो रहे हैं, रिलेशनशिप में जो भी मसले हैं वो एंड हो रहे हैं। कुछ के लिए रिलेशनशिप ही हो सकता है एंड हो रहा है। कुछ के लिए देखिए हो सकता है आप जगह चेंज कर रहे हैं, रीलोकेशन हो रहा है, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो रहा है। कुछ के लिए जॉब में चेंजेस हो सकते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं। फिर से मैं कहूँगी कि किसी भी तरीके के चेंजेस एंड ऑफ दीज फोर मंथ्स, या मैं कह सकती हूँ कि 2022 के एंड में रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए एस ऑफ कप्स एक हैप्पी एनर्जीज की बात करता है, जॉय की बात करता है, सेटिस्फेक्शन की बात करता है, नई बिगनिंग की बात करता है। तो देखिए जो भी चीज़ें एंड हो रही हैं, हो सकता है कि किसी लेवल पे आप उनको लेके परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये एंडिंग, ये बिगनिंग बहुत एक हैप्पीनेस, बहुत एक जॉय, बहुत एक सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में लेकर आ रही है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसी से ही रिलेटेड एक हैप्पीनेस आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड कहीं मैरिज की भी बात करता है,
सेलिब्रेशन की भी बात करता है, ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग की भी बात करता है, और कुछ ऐसा भी बहुत सारे स्कॉर्पियोज के लिए 2022 के एंड में रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए 2022 की स्टार्टिंग अच्छी हुई थी, हालांकि बीच में कुछ इश्यूज थे और बीच के 4 मंथ्स ठीक ठाक थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़राब थे, लेकिन हाँ बहुत ग्रेट चीज़ें भी नहीं हो रही थी। लेकिन जो लोग अपने वर्क प्लेस पे या जॉब से रिलेटेड प्रमोशन चाह रहे थे या किसी भी तरीके की पावर पोजीशन अथॉरिटी चाह रहे थे, उनके लिए मिड के 4 मंथ्स दैट इज़ मई जून जुलाई अगस्त काफ़ी अच्छे रहे होंगे। और देखिए एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में स्टार्टिंग बहुत ग्रेट जाती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन बाय द एंड ऑफ 2022 चीज़ें कहीं अच्छी होती हुई दिख रही हैं। हालांकि फिर से देखिए कोई एंडिंग हो रही है जो कुछ लोगों के लिए किसी लेवल पे इश्यूज भी क्रिएट कर सकती है, एक परेशानी भी ला सकती है, लेकिन एस ऑफ कप्स फिर से मैं कहूँगी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो जो भी एंडिंग और बिगनिंग हो रही है, आप चाहे देख पाएँ उस टाइम चाहे ना देख पाएँ, लेकिन ये हैप्पीनेस जॉय सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में लेकर आ रही है, एक सेलिब्रेशन एक प्यार मोहब्बत आपकी लाइफ में लेकर आ रही है। और देखिए ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए भी यहाँ पे ब्लेस्ड का कार्ड है, तो देखिए किसी तरीके की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स का सपोर्ट, यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी कोऑपरेटिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए पिछले 4 मंथ्स में भी आई डोंट रिमेम्बर द कार्ड्स एग्जैक्टली, लेकिन किसी लेवल पे एक ब्लेसिंग थी, यस एग्जिस्टेंस का कार्ड था, और मैंने आपको कहा था कि यूनिवर्स की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज हैं। और कहीं इन 4 मंथ्स के लिए भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ मसले हों, कुछ इश्यूज हों, लेकिन देखिए जब यूनिवर्स हमें सपोर्ट कर रहा होता है या फिर जो भी एंजल्स होते हैं उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं, तो ये मसले पता भी नहीं लगते और पास हो जाते हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए ये इनक्रीज का कार्ड भी बहुत एक पॉजिटिव एनर्जीज की बात करता है, लेकिन देखिए हम सब लोग जब इंक्रीज वर्ड सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं, जिसका मतलब कोई चीज़ हमारी लाइफ में बढ़ रही है, लेकिन जब पॉजिटिव चीज़ें बढ़ती हैं तभी अच्छा भी लगता है। तो जिस भी लाइफ के एरिया में आप फोकस करेंगे वही यू नो इंक्रीज भी होगा। और मैंने आप लोगों को हमेशा कहा भी है कि हम सब लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, तो हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर से देखिए वही चीज़ मल्टीप्लाई होती है, वही चीज़ इंक्रीज भी होती है। तो इन 4 मंथ्स में आप थोड़ा सा ख्याल रखें कि जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, या फिर जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, या फिर जो भी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, आप उनके ऊपर ही फोकस करें, आप उनके ऊपर ही ध्यान दें, ताकि वही चीज़ें इंक्रीज़ करें। क्योंकि देखिए अगर आपने नेगेटिव एनर्जीज़ पे ध्यान दिया फिर नेगेटिव एनर्जीज़ ही इंक्रीज़ हो सकती हैं और फिर आप परेशान हो सकते हैं। तो फिर से देखिए इस चीज़ का ख्याल रखें। ओवरऑल देखिए बाय द एंड ऑफ 2022 काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ यू नो आप लोगों के लिए रहती हुई दिख रही हैं। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए 2022 के लास्ट के 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का एक ओवरव्यू।